नंबर लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेई ऑयल एंड सैंडी सॉइल इस क्वेश्चन के आंसर में हमें क्लेस ऑयल और सैंडी सॉइल के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताने हैं सैंडी सॉइल होता है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और बड़े पार्टिकल्स नंबर में ज्यादा होते हैं क्लेस ऑयल इट कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल क्लेस ऑयल में फाइन पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होते हैं और बड़े पार्टिकल्स बहुत कम मात्रा में होते हैं नंबर टू हैज़ हाई परकुलेशन रेट इसमें परकुलेशन रेट ज्यादा होती है मतलब अगर हम इस पे इसके सरफ़ेस पे वाटर डालते हैं तो वो तेजी से अंदर फ्लो हो जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं और स्पेस ज्यादा होता है जबकि क्ले सॉइल में क्या होता है परकुलेशन रेट बहुत स्लो होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं दूसरे के बीच में दूरी बहुत कम होती है जिससे वाटर नीचे नहीं जा पाता सैंडी सॉइल में वाटर इटेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है पानी इसमें रुकता नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जाता है जिसमें से होके वाटर फ्लो हो जाता है क्ले सॉयल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं बीच में स्पेस नहीं होता है जिससे पानी बह नहीं पाता है होल्ड करता है क्ले सॉयल वाटर को नंबर फोर इज पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ट इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं सैंडी सॉइल के और एक दूसरे के बीच में जो गैप है वो ज्यादा होता है एक दूसरे से बंधे नहीं होते लूज होते हैं जबकि क्ले सॉइल में ऐसा नहीं होता है इनके पार्टिकल्स छोटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं इनके बीच का स्पेस पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत कम होता है टाइट होते हैं ये पॉइंट फाइव एयर गेट ट्रैप बिटवीन द पार्टिकल जो सैंडी सोइल के पार्टिकल होते हैं फिर यहाँ पर वही बात है कि ये बड़े बड़े होते हैं पार्टिकल्स तो उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है जिसकी वजह से बीच में एयर ट्रैप हो जाता है एयर प्रेजेंट रहता है जबकि क्ले सॉइल में इसका जस्ट ऑपोजिट है बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं जगह नहीं होते पार्टिकल्स के बीच में इसलिए एयर फ्लो कम होता है एयर कंटेंट कम होता है क्ले सॉइल में नंबर सिक्स सैंडी सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ये इसलिए अच्छा होता है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है growing crops को पानी की जरूरत ज्यादा होती है लेकिन सैंडी सॉइल में वाटर कम होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल में कम होती है इसलिए ये ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता है तो इस तरीके से हम इसके पांच पॉइंट सिक्स पॉइंट लिख लेंगे नंबर वन इट कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल नंबर टू इट हैज हाई परकुलेशन रेट क्ले सॉइल लो परकुलेशन रेट नंबर थ्री लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नंबर थ्री क्ले सॉइल में लिखेंगे हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नंबर फोर पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड क्ले सॉइल में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड नंबर फाइव इयर गेट ट्रैप्ड बिट्वीन द पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल क्ले सॉयल में एयर कंटेंट इज लो नंबर सिक्स नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सैंडी सॉयल इज नॉट सुटेबल नंबर सिक्स क्ले सॉयल गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स